अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, आज ये सेकंड व्लॉग होगा मेरा। आज इंशाल्लाह जितना भी हमारा काम होगा तो मैं सारा आपको दिखाऊँगा। सुबह सुबह मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने नाश्ते की जो रूटीन है वो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर की थी। आज जितना भी काम होगा इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा। तो आज उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा काम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सैन का काम ज़्यादा मुश्किल था, वो उन्होंने कर लिया है, तकरीबन थोड़ा रहता है। उसके बाद भाई जवेद के कमरे करवाने हैं, ठीक है, रगड़ाई उनमें करवानी है। उसके बाद फिर जो भी सीन हुआ आपके साथ शेयर करता रहूँगा और फिर देखते हैं जो भी सीन हुआ। जी वोटियाँ चेंज होने लगियाँ हूँ। अच्छा जी, आप घर देखें हमारा, माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त लगता है। अभी कलर हो जाएगा फिर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अभी कलर भी होना है, घर घर को करवाना है। अच्छा जी, ये दो दफ़ा रगड़ाई के बाद तीसरी दफ़ा शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, हर किसी के अपने अपने शौक़ होते हैं, ठीक है। हमारे मोहित साहब को जानवरों के साथ खेलना, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें चारा डालना, उन्हें खल वगैरह डालना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ मोहित साहब के काम। मोहित की कर दे हो? की खादी है? अच्छा जी, मोहित साहब कह रहा है कि इस गाय ने खा ली है खल, अब इस ये जो भैंस है ना, कट्टी बोलते हैं इसे, तो इसे मैंने डाल ली है कि ये भी खा ले। तो ये जब ये खा लेगी ना तब ये घर जाएगा। हैं, वड्डी कट्टी आ कह दिया? अच्छा, त्या उड़ली हिबा दिया तू ताऊ ने थोड़ी खल पाई आ? हैं, देख रहे भाई बच्चे मन के सच्चे। हाँ जी। अच्छा, बड़ी हमना की, उससे छोटी हिबा की, और ये मोई साहब की। मैंने इसलिए बोला बच्चे मन के सच्चे, मैंने कहा वो हिबा की, इसलिए तुमने कहा कम खल उसे खाने दी है और उसके सामने से वो कढ़ाइया उठा लिया? कहता हाँ जी। अच्छा अच्छा जी, तीसरी वट्टी शुरू है। वट्टी बोलते हैं भाई इसे हम लोग, तो क्योंकि इसमें रगड़ाई वाले भी वट्टी बोलते हैं। फर्स्ट वट्टी, सेकंड, थर्ड, मतलब कि तीसरी दफ़ा अभी इसकी रगड़ाई शुरू है तो तीसरी वट्टी बोलते हैं वो। भैया बस आवा
अच्छा मैं क्या मेरी जरूरत है, कमरा साफ कर लिए यार, कमरा साफ कर लिए। मैं ना चार पहिया कटवानी पैनिया, मेरे को कले को तो नहीं निकलनी, वो समान बहुत है। अच्छा जी, ये रहा जिसका मुझे बेसब्री से देखने का इंतज़ार था, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इसमें सारे कलर भरे थे, ये सारा कुछ किया था, तो मुझे बेसब्री से देखने का इंतज़ार था कि रगड़ाई हो जाए और मैं ये सारा देख सकूं। ठीक है ना, इसमें तो मैं पट्टियां वगैरह भी लगाई थी जो साइड पे लगती हैं, और इसमें मैंने देखी इसके साथ ना जगह छुड़वा के ना, ये देखें इसके साथ मैंने कलर भरा था, ये वाली ये सारी। ठीक है, वहाँ तक भरा और इसके बाद इधर भी भरा और इधर रेड कलर, ये सारा और इधर भी सारा। सर्दियों के दिन थे जब ये मैं लगा रहा था काम करने को, बहुत मुश्किल से ये सारे काम किए थे। ठीक है, इधर से लेके ये देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसने पूरे कमरे को चार चांद लगा दिए इसने, और जो भाई आवास के रूम में वो इससे भी ज़्यादा प्यारा है। ये अपनी जगह पे प्यारा है लेकिन वो अपनी जगह पे प्यारा है, तो ये भी काम नहीं है, ये भी बहुत प्यारा है। अगर इतना बड़ा पूल आप बना बनाया शहर से लेते हैं तो वो 10,000 के करीब मेरे ख्याल वो कहते हैं कि आपको देंगे। तो इसमें मैंने ये सारा घर खुद ही बनाया था, मिस्त्री भाई और मैंने, उसने ये सिर्फ ये किया था, ये साइड पे जो बनी हुए हैं ना पट्टियाँ ये बना के दी थी, उसके बाद ये सारा कुछ फिर मैं खुद ही लगा रहा, क्योंकि वो कटर था जिसके साथ पत्थर की पट्टियाँ काटते हैं, तो उसके साथ फिर मैं काटता रहा। और ये वाली जो चीज़ है ना, ये पत्थर की कटाई, ये मेरा कज़न आया वो था अदील, उसने मेरे साथ करवाई थी। रात के दिन थे, हमने मिलाद करवाना था, कट्टा ज़िबा करना था, मैं और वो 12 बजे तक वो कटाई करते रहे पत्थर की इसकी। अच्छा, अभी धो रहे हैं सारे सहन को, क्योंकि इस पे जो रगड़ाई के बाद जो हालत हो जाती है ना, मतलब जो पाउडर वगैरह जो मशीन चलती है तो वो फिर निकल निकल के बाहर जाता है ना रगड़ाई से, तो वो सारी फिर साफ कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लगा ऐसे हैं। देख ला की वटियां वा, देख ला पत्थर नूं किदां कसा देनियां। हाँ जी, पहले लोहे दिया, फिर ते वो दूसरियां देगी। हाँ जी, तो क्या हूँ आ कमजोर तो कमजोर लगनी, फिर आ लगनी सॉफ्ट, फिर आ लगनी वा, सारिया वटियां पई वा। ठीक है ना, एंड ती आ सॉफ्ट लगनी वा, फिर बिल्कुल निशान खत्म हो जाएंगे पत्थर तो। सही हूँ, वैसे मैं जिदा जिदा हो जाता मुलायम हो जाता पत्थर, आ तीसरी वट्टी मारी है ना साफ हो जाता। सही हो भजवे है, भजवे दे सारे ने। अच्छा जी, रात हो गई है और अभी सोने लगे हैं। ठीक है, और ये फाइनल 3 दफ़ा रगड़ाई होने के बाद, ठीक है,
तो चलें जी, कल देखते हैं जो भी सूरत हाल हुई आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।